हेलो दोस्तों, मैं संजय तिवारी आपका तिवारी स्टेट्स गार्डन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं एक इंडोर प्लांट लेके आया हूँ। ये देखिए, ये एरिका पाम है। इसी के ऊपर आज वीडियो मेरा वेस्ट होने जा रहा है। दोस्तों, ये पौधा मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और हमारे भारतवर्ष में भी पाया जाता है ये पौधा। ये पौधों के करीब 51 प्रजातियां होती हैं, जिसके अंदर आप देखे होंगे सुपारी जो हम पान में खाते हैं, वो भी एक तरह का पाम फ्रूट ही होता है। एरिका पाम को गोल्डन केन पाम, बम्बू पाम, बटरफ्लाई पाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत ज्यादा कुछ केयर करने की जरूरत नहीं होती है। एरिका पाम का वनस्पतिक नाम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेप्सिस लेटोसेंस। ये पौधे अगर आप इनको बाहर लगाते हैं तो 6 से 10 फीट तक इनकी हाइट हो सकती है, और अगर घर के अंदर ग्रो बैग या पॉट में लगाते हैं तो इसकी हाइट 5 फीट तक रहती है। इसको लगाने का समय फरवरी से लेकर के मई माह तक है। आप इसको सीड्स के द्वारा भी लगा सकते हैं, जो थोड़ा ज्यादा समय लेता है, और डिवीजन पद्धति से भी इसको आप लगा सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये आंशिक धूप में भी होता है, छाई में भी होता है। तो अभी हम डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि कैसे इसको लगाना है। ये फेंगशुई सिद्धांत के हिसाब से या और हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसको लगाने से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस प्लांट को तो अगर लगाते हैं तो ये एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है, यानी वायु के अंदर जो भी विषाक्त चीजें हैं उनको अवशोषित करके ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये वायु की नमी को भी नियंत्रित करता है। आपको पता है कि शुष्क हवा में सांस लेने से आंखों में खुजली, त्वचा में जलन, त्वचा का सूखापन एवं जोड़ों के आसपास जकड़न हो सकती है, झुर्रियां भी पड़ सकती है। इसलिए आप इसको लगाएं, इससे हवा शुष्क नहीं होती, हवा में ये नमी प्रदान करता है, तो इसलिए इसको लगाना बहुत ही जरूरी है। एक स्टडी के अनुसार एरेका पाम में एसोटिन, जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड और टोलुइन जैसे यौगिक को तोड़ करके इंडोर प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस लेने के लिए घर के भीतर प्रदूषण मुक्त हवा मिलती है। ये स्ट्रेस को भी कम करता है। एक अध्ययन के अनुसार पाम स्ट्रेस और मानसिक चिंताओं को 37% और अवसाद को 58 और थकान को 38% तक कम करने में मदद करता है, जिससे किसी व्यक्ति की काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और काम के प्रति सकारात्मक रवैया रहता है। आपके घर के इंटीरियर को भी ये अच्छा लुक देता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बीज से भी लगा सकते हैं, डिविजन प्रोसीजर से भी हम इसको लगा सकते हैं। साइड से जैसे ब्रांच निकल रहे हैं तो इन ब्रांच को नीचे से इस तरह से इसको जड़ के साथ निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें रूट्स भी होने चाहिए। ये है दोस्तों डिवीजन प्रोसीजर। ये देखिए, रूट्स के साथ में हमने इसको निकाल लिया है। अब ये पौधा आपको नर्सरी से लाने की जरूरत नहीं है, आप इसी पौधे को लगा दीजिएगा तो ये ग्रो करेगा और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिवीजन प्रोसीजर। एक बार पौधा आप लेकर के आ गए, इस पौधे से आप इसको डिवाइड करके और इसको मल्टीप्लाई करके आप कितने भी पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया कि डिवाइड प्रोसीजर क्या होता है। इस तरह से हम इसको मिट्टी तैयार करके इसको आप ग्रो बैग या गमले में लगा देंगे। बाहर से जो स्टेन सूख जाते हैं इनको आप निकाल लिया करिए इस तरह से। अगर इनके जड़ों में फंगस वगैरह की समस्या यानी कि इनके स्टेन में हो तो आप इनके स्टेन में नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, उसमें चूना लगा करके हल्का इनके तनों में आप लगा सकते हैं। हम ये 5 चीज लिए हुए हैं, ये देखिए इनको हम यूज करने जा रहे हैं। ये है एप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट की भी जरूरत पड़ती है इस पौधे को। थोड़ा सा जड़ों में भी दे देंगे और थोड़ा स्प्रे भी करेंगे। ये फिटिकरी का पाउडर है, इसका भी पाउडर लिए हुए हैं। इसको जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। आप अलम पाउडर को थोड़ा थोड़ा इनके जड़ों में इस तरह से आप स्प्रे करके दे सकते हैं, या फिर एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और इनके जड़ से दूर इसको दबा दीजिए, तो इसे फंगस वगैरह नहीं लगेगा, चींटियां भी नहीं लगेगी और मिट्टी का पीएच लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से आप फिटिकरी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 फर्टिलाइजर देना है। ये चाय का खाद है तो इसको आप दे सकते हैं, और ये है सीवीड फर्टिलाइजर, तो सीवीड फर्टिलाइजर का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए,
मिट्टी तैयार करने के लिए आप ढीली मिट्टी तैयार करें, दोमट मिट्टी तैयार करें, हल्की भुरभुरी मिट्टी भी कह सकते हैं। इसके लिए आप कोकोपीट या रिवर सैंड का उपयोग कर सकते हैं। कैसे मिट्टी तैयार करना है इसके लिए मेरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें पानी ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ आपको मॉइस्चर बनाए रखना है। और ज्यादा पानी देंगे तो जड़ों में सलन गलन हो सकता है। इसके अंदर पानी ठहरना भी नहीं चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि पॉट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी हल्की और भुरभुरी होने से पानी ठहरता नहीं है और आपके पॉट का भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, तो ये आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब हमने इस पौधे की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद में की कंपोस्ट को हम इसमें एक दो चम्मच फैला देंगे चारों तरफ से। ये फैलाने के बाद में हमने सीविड फर्टिलाइजर दे देना, ग्रेनुलर्स के रूप में दे सकते हैं। आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये दोस्तों एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट को भी थोड़ा थोड़ा इसके जड़ों में दे रहे हैं। और देने के बाद में अभी एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने जा रहे हैं। स्प्रे करने के लिए एक छोटा चम्मच एक लीटर पानी में इस तरह से दोस्तों आप अपने एरिका प्लांट के ऊपर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के अंदर हरियाली बनी रहेगी। ये हवा के प्रदूषण को कम करता है, हवा के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको गेन कर लेता है और फ्रेश ऑक्सीजन को छोड़ता है, और वायु के अंदर ये नमी बनाए रखता है जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए आप इसको इंडोर प्लांट की तरह अपने घर में लगा सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की भी जरूरत नहीं है, अगर आंशिक धूप मिलती है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप खुले में हवादार जगह में आप इसको लगा सकते हैं। ये अपने ड्राइंग रूम में भी आप रख सकते हैं, आपके इंटीरियर लुक को और भी बहुत सुंदर बना देगा। मानसिक चिंताएं दूर होती है, इससे थकान कम होता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और ये आपको ऑक्सीजन ज्यादा देता है। जिसको फर्टिलाइजर मैंने बता दिया, मिट्टी कैसे तैयार करना है वो भी बता दिया। दो फर्टिलाइजर मेन है जो आप दे सकते हैं, सीविड फर्टिलाइजर और टी कम्पोस्ट। इसके अंदर आप एलम पाउडर को भी दे दीजिए ताकि मिट्टी का पीएच लेवल अच्छा रहे और मिट्टी में फंगस वगैरह की समस्या नहीं रहती है। और स्प्रे कर दीजिए एप्सम सॉल्ट का, तो इतना ही फर्टिलाइजर इसको दीजिए, बिल्कुल ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा और हरा भरा एवं तंदुरुस्त रहेगा ये पौधा। ये हवा को शुद्ध रखता है, इसलिए ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पौधे को लगाना। एक बार जब इसको आप लेकर के आ जाते हैं नर्सरी से या ग्रो कर लेते हैं तो आगे एक प्लांट के बाद में आपको इसको खरीदना नहीं पड़ता है। मैं एक ही प्लांट लाया था, एक से दो किया, दो से आपको मैंने देखा है कि इसको डिवाइडिंग प्रोसीजर से इस तरह से इसको लगा देंगे, ये एक अलग पौधा तैयार हो जाएगा। इसलिए पौधे से पौधे तैयार होते रहते हैं। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कोई कमेंट है तो हमें बताइए। इसी तरह से हम गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।